बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स और आप लोगों की दुआएं मिली कि मैंने जो आप लोगों से शादी के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए और छोटी मोटी हाजात के लिए जो वज़ाइफ आपके साथ पेश किए थे, आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। मुझे बस इतनी खुशी है कि मेरे पहले सोचा कि शायद आपको अमलियात तक ही आप लोग महदूद हैं, लेकिन इस बात को देखते हुए मेरे दिल को बहुत खुशी है कि आप लोग वज़ाइफ को भी मतलब के बहुत अच्छा और बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज फिर मैं अपना एक नया वज़ाइफ आपके साथ शेयर करूंगी कि आप लोग जब भी किसी बेटे या बेटी की शादी करो या कोई बहन भाई की शादी हो या आप में से किसी की शादी हो, तो शादी होने के बाद इसको जो मैं अमल आपको बताऊंगी आपने पढ़ना है, ताकि जो मियाँ बीवी हैं उनके दरमियान में एक मोहब्बत और उल्फत पैदा हो, मोहब्बत और उल्फत पैदा हो। बहुत नायाब अमल है, आप लोग करके देखिएगा। और अगर आपने अभी तक ये दुआ नहीं पढ़ी या आपको कहीं से नहीं पता लगा, ठीक है, तो आपने ये दुआ जो है फौरन पढ़नी है। अगर आपके शोहर हैं तो आप फौरन पढ़ो, और अगर आपकी अपनी बीवी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो फौरन पढ़ लें। सिर्फ इस एक दुआ का ये असर होगा कि जब तक अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, जब तक आप दोनों रहोगे, आप दोनों के दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा रहेगी, लड़ाई झगड़े और इस किस्म की नाचाकियां खत्म हो जाएंगी। अगर कोई मेरा बहन भाई परेशान है और काफी अरसे से आपस में तकरार है या किसी बात से नाराजगी है, ठीक है, तो आप ऐसा कीजिएगा, ये दुआ सिर्फ और सिर्फ 7 दिन आप पढ़ेंगे, ठीक है, 7 दिन, वरना 1 दिन के लिए काफी है, एक दफा पढ़ना ही इसका काफी है। लेकिन फिर भी आपकी बेहतरी के लिए कहती हूँ कि अगर ऐसा मसला है तो वो आप जो है 7 दिन तक इसको पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह जितनी भी परेशानियां आपस में रिश्ते में होती हैं, क्योंकि अल्लाह पाक के नजदीक सबसे जो तकलीफ दे अमल है या तकलीफ दे काम है, मर्द और जैसे मियां बीवी होते हैं उनमें लड़ाई झगड़ा और सबसे बुरा काम जो है तलाक का होता है, कि ये पूरी दो एक मियां बीवी नहीं या एक लड़की एक लड़के की जिंदगी खराब नहीं होती, पूरे खानदान के ऊपर इसका जो है असर पड़ता है, और अगर औलाद है तो बहुत बुरा और बहुत गहरा असर पड़ता है, सारी जिंदगी जो है औलाद फिर उस तरीके से नहीं चल सकती, ठीक है। तो इन चीजों को जरूर अपने दरमियान में कायम करें, अल्लाह के रस्तों को पकड़े, अल्लाह के रस्तों पर चले। तो जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया वो तरीका इख्तियार करें। यह ये दुआ अल्लाहुम्मा से लेकर आपने अनहा, ठीक है, अल्लाहु ताला अनहा तक आप पढ़ेंगे। तर्जमा, ए अल्लाह मेरे और मेरे शोहर के दिल में मोहब्बत और उल्फत ऐसे भर दे। अगर देखें, अगर कोई बीवी अपने शोहर के लिए कर रही है तो वो शोहर को याद करे, और अगर शोहर अपनी बीवी के लिए कर रहा है तो बीवी को याद करे, और उल्फत ऐसे भर दे और हमारे दिलों को ऐसे मिला दे जैसे आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके दिलों को मिला दिया था। ऐ अल्लाह मेरे और मेरे शोहर के दिल को, जहां पर शोहर का आता है, अगर बहन है जिस तरह मैंने पहले बताया है, बिल्कुल उसी तरह ही इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो दुआ है मेरे और मेरे शोहर के दिल को ऐसा मिला दे जैसे आपने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिलों को उल्फत और मोहब्बत से मिला दिया था। ये इतनी नायाब दुआ है, यकीन माने कि एक दफा पढ़ने से, इसके एक दफा पढ़ने से पूरी आपकी जिंदगी जो है बदल सकती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप अरबी नहीं जानते, अगर आपने अरबी पढ़नी नहीं अभी ठीक तरह से आती, तलफ्फुज़ ठीक तरह से नहीं आते, तो दुआ ही पढ़ ले, ठीक है। अरबी को देखिए, अरबी अगर लिखी है तो अरबी को अरबी ही जुबान में पढ़ा जाए, उसका ज्यादा रुतबा है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अरबी थी,
ठीक है, तो आप अरबी जुबान में पढ़ेंगे उसका अलग रुतबा होगा। तो इसलिए तमाम दुआओं को अरबी में भी बताया गया है, उर्दू में भी बताया गया। तो अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो उर्दू में, अगर आप अरबी में पढ़ना चाहते हैं तो अरबी में, दोनों तरह से आप पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपको तरीका। लेकिन अरबी में पढ़ोगे तो ज्यादा मोतवर और ज्यादा असर होगा, ठीक है। तो यही तरीका मैंने आपको कहा है कि अगर आपके जो मतलब के मियां बीवी में अगर जरा सी भी रंजिश, जरा सी भी तकलीफ, कोई परेशानी है, तो ये अमल जरूर करें। इंशाल्लाह आपके दिलों के अल्लाह ताला मुकम्मल उल्फत और मोहब्बत पैदा हो जाएगी और दिलों के ऊपर मुकम्मल ऐसे जो सफेदी सी चढ़ी है ना वो छट जाएगी और रोशनी आ जाएगी। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे। मेरी तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी, मेरे से जितनी भी मदद हो मैं आपकी जरूर मदद करूँ। अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए, इजाजत दे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।